हिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पर्शियंस कौन थे, पर्शियन जो है वो ग्रेटेस्ट स्टेट्स में जाने जाते थे एंशियंट वर्ल्ड के अंदर। पर्शियन एम्पायर ने कब तक हुकूमत की थी, 550 से लेकर 303 BC के दौरान उनकी हुकूमत थी। और इनकी टेरिटरी जो है, इनकी बाउंड्री कहाँ तक फैली हुई थी, जहाँ आज पाकिस्तान है वहाँ तक। ठीक है, पर्शियन ने अपने बारे में बहुत कुछ लिखा था, ठीक है, जो वो छोड़ के गए थे, लेकिन ज़्यादातर जो हम पर्शियंस के बारे में जानते हैं वो इनकी एनिमीज यानी ग्रीक्स के बारे में ग्रीक से जानते हैं, क्योंकि ग्रीक्स ने अपने रिटर्न वर्क में जो है इनके बारे में लिखा था, जिस वजह से हम पर्शियन एम्पायर के बारे में जान पाए। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ एविडेंस निकाले जिससे प्रूव होता है कि पर्शियन एम्पायर के बारे में हम जो है जान पाए। यहाँ पे देखें द ऑक्सेस चैरियट मॉडल है, ठीक है, जिसमें आपको दो बंदे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, चार हॉर्सेज हैं, पोनीज जिनको कहा जाता है, ये व्हील्स हैं, ठीक है, व्हील्स के अराउंड आसपास जो इसके एजेस पे छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने अपना दो पैसेंजर्स यहाँ पर बैठे हुए बड़े सुकून से, ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने अपना एक गॉड की जो है तस्वीर भी इस पर लगाई हुई है अपने प्रेस्टीज के लिए, अपने ऑनर के लिए। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, इस तस्वीर में देखें तो जो कि अभी पेज 98 पे बनी हुई है उसमें पता चलता है ये इन्हें कहाँ से मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को सेंट्रल एशिया में जो रिवर ऑक्सेस हैं वहाँ से बहुत सारे हिडन ट्रेजर्स मिले हैं, जिसमें से उन्हें ये एक ऑक्सेस मॉडल मिला है, ठीक है। ये मॉडल जो है बहुत स्किलफुल तरीके से बनाया गया है, जो कि गोल्ड से बना हुआ है, ठीक है, और इसको ये हमारे हाथ के साइज़ के बराबर है, इसको हम अपने हाथ पर भी रख सकते हैं। इसको कौन चला रहा है, चार स्मॉल पोनी साइज हॉर्सेस चला रहे हैं। व्हील जो चैरियट है वो बहुत बड़ा है, जिस पे व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है, नाइन जो व्हील्स के अंदर जो ये लाइंस बनी हुई हैं उनको स्पोक कहा गया है, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, ये नाइन हैं, ये व्हील्स इतने बड़े हैं कि जितने के हॉर्सेस खुद हैं, ठीक है। द स्टड्स अराउंड द एज जो डिज़ाइन बनाया गया है एज के आसपास व्हील के, वो फुल साइज़ चैरियट में पूरी चैरियट में भी बनाया गया है, ठीक है, और इसलिए बनाया, और किससे बनाया है, उसमें ब्रॉन्जी की लेयर है उसके साथ अटैच की भी है, जैसे कि टायर बना हुआ होता है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं जब हमें विच कुड बी रिप्लेस टू प्रोटेक्ट द व्हील इटसेल्फ, ठीक है। इस टायर बिल्कुल टायर की तरह ये दिखता है, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और इसलिए इसलिए बनाया गया है ताकि इससे व्हील की हिफाजत हो सके, ठीक है। पैसेंजर जो है वो बड़ा लग रहा है ड्राइवर से, जो कंट्रोल कर रहा है हॉर्स को, ड्राइवर जो कि कंट्रोल कर रहा है हॉर्स को, और बहुत सारे इसके पास क्या हैं, स्ट्रिप्स हैं जिससे उन्होंने हॉर्स को कैरी किया हुआ है। देखिए ड्राइवर और वो उन्होंने कौन सी ड्रेस पहने हुए हैं, मिदास की ड्रेस पहने हुए हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट में ईरान के लोग पहनते थे, ऐसे ड्रेस उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, ठीक है। चैरियट के फ्रंट पे इजिप्शियन गॉड का सर बना हुआ है, ये इमेज जो है उन्होंने चार्म के लिए बनाई है और अपना फेथ दिखाने के लिए बनाई है, और मॉडर्न ड्राइवर्स जो है उसको अपने कार पर भी लगा सकते हैं, इसका साइज़ इतना छोटा है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ऑक्सिस चैरियट मॉडल बनाया गया है, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये उन्होंने अपने गॉड्स को ऑफर करने के लिए बनाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचते थे कि ये चैरियट इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि लंबी लंबी जर्नीज जो सफ़र पे लोग जाते हैं वो जा सकें, क्योंकि इसमें हॉर्सेस भी हैं, ठीक है, और इसमें स्ट्रेंथ और फिटनेस भी होती है, और दूसरा ये कि जो व्हील का साइज़ है वो बड़ा है ताकि लंबे ट्रैवल में इनको जल्दी जो अपनी जहाँ उन्हें जाना हो वो जल्दी फास्ट तरीके से वहाँ पर पहुँच सकें, ठीक है। अब यहाँ पर रॉयल रोल के बारे में बात हो रही है, पर्शियन रूलर्स ने बड़े बड़े रोड का नेटवर्क बनाया था ताकि मैसेंजर्स, पर्शियन आर्मीज, रॉयल ऑफिशियल, मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी जा सकें। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने कमेंट किया है कि कोई भी चीज़ जो है इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने से नहीं रोक सकती थी, चाहे दिन हो या रात, बारिश हो, ये लोग अपना काम जो है बहुत तरीके से करते थे। यहाँ पर बता रहे हैं कि पर्शियन लोगों ने जो है रूलर्स ने बड़े बड़े रोड बनाए हुए थे जिसमें पर्शियन आर्मीज, रॉयल ऑफिशियल, मर्चेंट्स, ट्रैवलर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी जा सकते थे। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने कहा है कि कोई भी चीज़, चाहे बारिश हो, बर्फ़बारी हो, गर्मी हो या अंधेरा हो, कोई भी चीज़ इन मैसेंजर्स को डिलीवरी से अपनी नहीं रोक सकती थी, वो जो चीज़ जहाँ जाना चाहते थे वो आसानी जा सकते थे, ठीक है। माउंटेड रॉयल मैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था अराउंड 6999 किलोमीटर रॉयल रोड को, कितने डेज में, 7 डेज में। चेन बनाई गई थी मोर देन 100 स्टेशन की एंड रेगुलर इंटरवल्स,
रोड के आसपास रॉयल मैसेंजर्स जो है वो अपने फ्रेश हॉर्स वहाँ से लेते थे और जो हॉर्स थके हुए होते थे उसको उस जगह पर रख देते थे। ठीक है, हेरोडोटस ने क्लेम किया कि कोई भी चीज़ दुनिया के इन ट्रेवलर्स के साथ से तेज़ नहीं थी जितने कि पर्शियन कोरियन मैसेंजर्स थे। ठीक है, वो अपना काम बहुत बखूबी से और बहुत तेज़ी से करते थे। दूसरा एक काम उन्होंने ये किया था कि इजिप्शियन जो एक ड्राई डेजर्ट एरिया है वहाँ पर उन्होंने अंडरग्राउंड चैनल्स बनाए थे और इन चैनल्स के अंदर उन्होंने पानी स्टोर किया हुआ था ताकि जो सफ़र करके वहाँ से गुजर रहे हों तो वहाँ उन्हें पानी की सहूलत मैसर हो। ये पर्शियन गवर्नमेंट के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उन्होंने इंपॉर्टेंट मैसेंजर्स बनाए हुए थे, पैसेंजर्स बैठे हुए होते थे वहाँ पर ऑक्सन चैनल पे, जो कि वो लोग कौन थे जो पर्शियन गवर्नर को चला रहे थे। ठीक है, और ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें और ये देख सकें कि वहाँ लोग टैक्सेस सही पे कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही है कि नहीं है। ठीक है, इजिप्शियन गॉड की इमेज जो चैरियट पे है वो इसलिए है कि पर्शियन रूलर वो जानते थे कि वो फुल नॉलेज हो वो चाहते थे कि फुल नॉलेज जहाँ भी हो जा रहे हैं वो अपने गॉड के बारे में दूसरों को भी बताएं, जिसमें इजिप्शियन भी शामिल है, यानी इजिप्शियन को दिखाने के लिए भी कि हम अपने गॉड को मानते हैं और अपने गॉड की प्रेस्टीज के लिए वो लोग या प्रमोशन के लिए लोग जो है इसको अपने साथ लेकर जाते थे, इसलिए उन्होंने अपने चैरियट में गॉड का जो है फेस लगाया हुआ था। और फैक्ट ये है कि कोई भी गार्ड जो है इस चैरियट में बैठा हुआ नहीं दिखता है, जिसकी वजह जिससे ये साबित होता है कि वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई ख़राब नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि लोगों के मुताबिक जो है वो सीरियस रूलर कैसा था। साइरस द ग्रेट जो है उसकी उसने कहा कब तक हुकूमत की थी, 559 से लेकर 530 तक। ठीक है, वो ऑलरेडी किंग था मीडियाज का और पर्शियंस का, वो पहले से ही किंग था। ठीक है, जो कि अब ईरान में जो जगह है वहाँ का वो पहले से ही ऑलरेडी किंग था और वो दुनिया में बेस्ट रूलर बन गया जब उसने किस पे कब्ज़ा किया था, बेबीलोनियन एम्पायर पे कब्ज़ा किया था। ठीक है, बेबीलोनियन जो थे वो अपने एम्पायर को बहुत सख्ती से चलाते थे और लोगों को मजबूर करते थे कि उनके कोर्ट्स पे वो लोग ज़बरदस्ती वो कहते थे कि आप हमारे कोर्ट्स को मानो। ठीक है, और उन्होंने जो इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने पहले बेबीलोनियन पे कब्ज़ा किया था उनको भी इन्होंने कैद करके रखा हुआ था, उनको भी छोड़ा नहीं था। ठीक है, क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो क्ले सिलेंडर पे मौजूद है, सीरियस ने जो है इसके मुतालिक नए सब्जेक्ट्स पे बात की और इसने वो सारा स्टैचू और सारी इमेजेस जो डिफरेंट गॉड्स की थी इसको बेबीलोनियन ने कैद करके रखा हुआ था वो सब उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया उनको, जो वहाँ के रहने वाले उनके लोगों को, और जो उनके टेम्पल्स तोड़े गए थे उनको दोबारा बनाने के लिए भी उसने पैसे दिए और उन्होंने उन लोगों को जाने दिया जिनको बेबीलोनियन ने कैद करके ज़बरदस्ती अपने घरों से दूर किया हुआ था।